हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं पावरफुल बैटरी बना के दिखाऊंगा जो कि आप अपने बाइक में बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा उस पावरफुल बैटरी को बनाने के लिए आपको क्या चीज़ लेनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों, आपके घर में कोई ख़राब चार्जर पड़ा होगा तो उसके अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा कैपेसिटर, ठीक है फ्रेंड। तो ये वाला कैपेसिटर आपको ले लेना है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो आप मार्केट से आसानी से आप ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड। ये आपको 10-5 रुपये में, जैसी क्वालिटी आप लेना चाहोगे, जितने वोल्ट का लेना चाहोगे, उस रेट में आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक फ्रेंड। फिलहाल मैंने ये ख़राब चार्जर में से निकाला, एक वीडियो और बनाया था तो उस इसी के ऊपर, तो फ्रेंड उसमें का कुछ कम पड़ा था मेरे पास कैपेसिटर, तो वाला कैपेसिटर मैंने ले लिया है, ठीक फ्रेंड। तो आइए, आप देख सकते हो ये 150 योव का है, 150 योव और 100 वोल्ट का है ये, ठीक फ्रेंड। 150 योव का है और 100 वोल्ट का है, ठीक फ्रेंड। तो ऐसे ही मैं 5 ले लूँगा, ठीक फ्रेंड। ये देखिए, मेरे पास 5 पड़े हैं, ठीक फ्रेंड। पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी इसकी तो आप देख सकते हो दोस्तों। उसको मैंने 12 वोल्ट की बैटरी इससे बनाई है, ठीक फ्रेंड। तो इसमें थोड़ा एल को ज़्यादा लगाया था मैं, ठीक है। इसे एल को भी बोल सकते हैं, कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक फ्रेंड। तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही लगाया था तो 12 वोल्ट की बैटरी बनाई थी। अगर वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक फ्रेंड। तो चलिए मैं इसका आप लोगों में बना के दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। करना कुछ नहीं है आपको, जो प्लस का है उसमें प्लस में आपको जोड़ देना है, ठीक फ्रेंड। ये कुछ इस तरीके से, जैसे ये प्लस का है तो प्लस में जोड़ देना आपको, माइनस का है तो माइनस में जोड़ देना, ठीक फ्रेंड। तो चलिए मैं जोड़ के आप लोगों को फटाफट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, आप ये देख सकते हो जो इसका माइनस है, ठीक फ्रेंड, ये जो इसका जो माइनस है तो माइनस को मैं इसके माइनस में लगाऊंगा, ठीक फ्रेंड। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इसका माइनस मैंने माइनस में लगा दिया अच्छे तरीके से, ठीक फ्रेंड। और मैं इसके ऊपर अब सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक फ्रेंड। मैं वीडियो बिल्कुल आप लोगों को बारीकी से समझाऊंगा, ठीक फ्रेंड। तो वीडियो पूरी लास्ट तक बनी रही है, ठीक फ्रेंड। देखिए, एक सोल्डिंग हो गई इसकी, ठीक है फ्रेंड। अब दूसरा आपको लेना है दोस्तों, अब इसको मैं लगाऊंगा माइनस में, ठीक फ्रेंड। तो कुछ मैं इस तरीके से लगा लूँगा, ठीक फ्रेंड। आपको ध्यानपूर्वक लगाना है, बिल्कुल शॉर्ट ना हो कहीं, ठीक फ्रेंड। तो ये मैं यहाँ पे लगा लूँगा, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये मैं प्लस का लगा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में मैं लगा दूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये भी लग चुका है मेरा, ठीक फ्रेंड। अब लेना है आपको माइनस, ठीक फ्रेंड। तो माइनस को भी मैं कुछ इस तरीके से लगा दूंगा, ठीक है फ्रेंड। ये मैं कुछ इस तरीके से माइनस को मैं लगा दूंगा, जैसे कि आप ये देख सकते हो फ्रेंड। तो चलिए मैं माइनस को भी लगा देता हूँ इसी में, ठीक है फ्रेंड। तो माइनस भी हमारा लग चुका है और एक और रह गया, ठीक है फ्रेंड। तो इसको मैं लगा दूंगा, इसको भी प्लस में, ठीक फ्रेंड। तो ये देख सकते हो, प्लस में मैं इसको लगा देता हूँ। और फिर दोस्तों, समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक फ्रेंड। मैं कमेंट में आप लोगों को बता दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक फ्रेंड। ये देखिए, आपका हो गया है, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूँ। ये देखिए इधर, ये माइनस का माइनस में हो गया है और इधर ये, इधर भी देखिए, ये प्लस का प्लस में हो गया, ठीक फ्रेंड। ये वाला प्लस है, जिसमें धारी लगी आप समझिए माइनस है, जिसमें धारी नहीं लगी वो प्लस है, ठीक फ्रेंड। तो धारी धारी वाला मैंने एक में कर दिया। और एक बार मैं फिर आप लोगों को समझा देता हूँ, ये वाला जो धारी वाला आपको दिख रहा है ये माइनस है, ठीक फ्रेंड। और ये वाला जो है जिसमें धारी नहीं लगी है वो प्लस है, ठीक फ्रेंड। और ये आप लोगों को पता ही है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक फ्रेंड। तो चलिए फटाफट, अब इसका तो काम हो गया है और मैं इसे साइड साइड से इसे काट देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो इसका लुक भी कुछ अच्छा लगे देखने में, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैं काट दिया, ये देखिए मैंने काट दिया, ठीक फ्रेंड। आपको करना कुछ नहीं है, ठीक फ्रेंड। अब मैं आप लोगों को इसकी टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ, ठीक फ्रेंड। ये बैटरी आपकी बन चुकी है, तो इस पर मैं टेप मार देता हूँ, थोड़ा ये एक में चिपक जाए। तो फ्रेंड, ये देख सकते हो मैंने टेप मार दी अच्छी तरीके से, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं इसका बोल्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ, कितना बोल्ट का बना है, ठीक है फ्रेंड। ये रहा मेरा मल्टीमीटर, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, चलिए मैं आप लोगों को इसका दिखा देता हूँ कितने बोल्ट का बना है, ठीक है फ्रेंड। ये आप देख सकते हो बोल्ट, दोस्तों आप लोगों के सामने है, 4 बोल्ट के करीब दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड। कोई फेक नहीं है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड। ये आप लोगों को 2-3-4 बोल्ट, दोस्तों एक बात बता दूं आप लोग, जब ये आपकी बाइक स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिक ही चार्ज होने लगेगा, ठीक है फ्रेंड। इससे हॉर्न या आप जो हमारा इंडिकेटर होता है वो भी जलेगा आसानी से। तो फ्रेंड, चलिए मैंने ये 12 बोल्ट की बैटरी बनाई है, जैसा कि आप ये देख सकते हो। इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना, इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, मैं इसे कुछ सेकंड के लिए इसे चार्ज करूँगा। तो ये मैं लगा दिया यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने लगा दिया है। शॉर्ट मारता हूँ, ठीक फ्रेंड। और ये कुछ ही सेकंड में ये चार्ज हो जाएगा,
ठीक फ्रेंड, ये भी मेरी बैटरी डिस्चार्ज हुई पड़ी है। ठीक फ्रेंड, तो ये रहा मेरा मल्टीमीटर और मैंने चार्ज कर दिया है, और आप लोग मैं दिखाता हूँ कितना वोल्ट ये चार्ज हो चुका है। ठीक फ्रेंड, तो देखिए करीब ये 3 वोल्ट के करीब ये चार्ज हो चुका है। और फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे ही आपकी बाइक स्टार्ट होगी ये ऑटोमेटिकली ये चार्ज होने लगेगा। ठीक फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई। अगर वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।